आज नए चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है अमाइंस। एक तरह से इसे कह सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम अमाइंस के बारे में भी पढ़ेंगे और साइनाइड्स और नाइट्राइल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और आइसोसाइनाइड्स के भी कुछ रिएक्शंस हैं, फिर नाइट्रो कंपाउंड्स हैं और एल्काइल नाइट्राइट करके कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अमाइंस तो अच्छा डिटेल वाला चैप्टर है, इसमें एरोमेटिक अमाइंस जो रहते हैं एनिलीन वगैरह, उनके रिएक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो चैप्टर वैसे तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत सारे रिएक्शन जो हैं हमने कर लिए होंगे। अब तक जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ी है, हम शुरू से स्टार्ट हो जाएं, एल्केन से लेके यहाँ तक, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनमें जितने भी रिएक्शंस नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आए हैं, वो सारे के सारे रिएक्शंस हम अब होके इस चैप्टर में आएंगे। तो नए रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो प्रीवियस जो है वो रिविज़न काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और बार बार मैं आपको कहूँगा फिर ये वाले नोट्स निकाल लो, वो वाले नोट्स निकाल लो, अब आप हंसना शुरू हो गए, बात तो पूरी सुन लो, वो वाले नोट्स निकालो, ये वाले नोट्स निकालो, तो इससे आपकी रिवीजन होगी, जिससे फ़ायदा तो फिर आपको ही होगा। आज का जो लेक्चर है, ये आप देख रहे हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखे हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अमाइंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, अभी इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला लेक्चर है, ये तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी, तो इसमें हम देखेंगे अमाइंस की क्लासिफिकेशन, उसके बाद इनकी IUPAC नेमिंग, उसकी एक एक्टिविटी मिलेगी आपको करने के लिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अमाइंस के मैं नाम लिखूंगा जिनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, जितने अपने हैं वो जाएं ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक की हेल्प से आपके हो जाने चाहिए। और उसके बाद आइसोमेरिज्म इन अमाइंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और उसके बाद फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के दो रिएक्शन जो पहले से हमने किए हुए हैं। अब आपको पता, सबसे पहला आप गैस करो, मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले बताया भी था कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइंस का, जो मैं आपको आज कहने वाला हूँ एक एग्जांपल देके, कि पिछले चैप्टर से कॉपी करो और उसकी डिटेल अच्छी तरह से पक्की करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सोचो। मीनवाइल ये मॉलिक्यूल्स को अभी थोड़ा टेम्परेरीली हटा रहा हूँ, क्योंकि इनको फिर से वापस लाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक अमाइंस। सो अमाइंस आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप्स। एराइल भी लिखा है फिर एरोमेटिक के लिए। तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है, अमोनिया में क्या रहता है, ये नाइट्रोजन एटम जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज हो रहा है, तो द शेप इज पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर है, 3 ही बॉन्ड पेयर है, तो ये पिरामिडल शेप है, ठीक है। अब इनका हाइड्रोजन एक एक करके सब्स्टिट्यूट होते जाएं एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो जो बनेगा उनको अमाइंस कहते हैं। अब इसी बेस के अमाइंस भी, इसी बेस पे अमाइंस की क्लासिफिकेशन है, 3 प्रकार की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब देखो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन, ये हमने पिछली क्लास में भी किया डिटेल में, जब हम ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उस समय किया, अब फिर से दोबारा करवा रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा अगर आपको अच्छी तरह से आता है। अगर अच्छी तरह से आता है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं कुछ भूल गया हो, तब भी अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। अगर पिछले साल आपने नहीं किया, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो अब हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पिछले साल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सारी की सारी दोबारा आ जाती है। और अगर इसको अच्छी तरह से फॉलो करें, तो पहले किया या पहले नहीं किया या पहले अच्छी तरह से नहीं किया, कोई फर्क नहीं रहता है, डिपेंड करता सब आपकी कमिटमेंट पे, आपके जो है वो प्लान ऑफ एक्शन पे, कि आप कैसे इसको ले रहे हैं। तो इसलिए शुरू से बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल है वो ओजोनोलाइसिस वाला टॉपिक, पिछले साल आया था, हमने 2-2.5 दिन लगे होंगे क्लास में, अभी एल्डिहाइड कीटोन्स में दोबारा आया 3 वीडियो लेक्चर के करीब, फिर से उसको लगे, तो पहले किया या नहीं किया इमेटीरियल है। अब अगर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दूँ ओजोनोलाइसिस का, तो आप उसको सॉल्व करके, चलो मैं सपोज मैं आपको कहता हूँ कि जो ऑर्थोजाइलिन है, सबसे आपको पता है यूनिक क्वेश्चन वही है उसका, उसके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, तो अभी अगर आपके मन में आ रहा है तो ठीक है, नहीं मन में आ रहा तो फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो प्राइमरी माइंस कब होता है, जब ये 3 में से एक हाइड्रोजन एटम की जगह एल्काइल या एराइल ग्रुप आएगा, तो कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो इसको ऐसे लिख सकते RNH2, अब नाइट्रोजन के ऊपर दो हाइड्रोजन है तो एग्जांपल ये CH3CH2NH2। नेमिंग के लिए अभी अलग से करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात पहले बता दूं, अमाइंस का प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी होना नाइट्रोजन से देखा जाएगा, कार्बन से नहीं देखा जाएगा, ये बड़ा यूनिक पॉइंट है। तो नाइट्रोजन के ऊपर जब तीनों एच हैं तो वो अमोनिया, जब दो एच बचे हैं एक सब्स्टिट्यूट हो गया फिर वो प्राइमरी अमाइन है। आगे चले, अब आ गया हमारा सेकेंडरी माइंस। सेकेंडरी माइंस में नाइट्रोजन के ऊपर एक ही एच बचेगा क्योंकि दो की जगह तो एल्काइल ग्रुप आ गए। अब दो एल्काइल ग्रुप आ गए तो डेफिनेटली दो केसेस बनेंगे। ये दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर हो सकते हैं, R2NH ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो ये टाइप का भी हो सकता है। तो सेकेंडरी माइंस जो फर्दर जो है वो दो अलग अलग टाइप के पॉसिबल है, ठीक है। दोनों की एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे NH के साथ दो बार मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे NH के साथ एक बार इथाइल और एक बार मिथाइल। नेमिंग के लिए अभी अलग से बात करते हैं प्रॉपरली, बिल्कुल स्टार्ट से नेमिंग कराऊंगा। इस तरह से लिख सकते हैं R2NH ऐसे, यहाँ इसमें एक R और एक R डैश, ठीक है। अब यहाँ पे आप गैस करो, जब हम टर्शरी माइन की बात करेंगे तो उसका मतलब नाइट्रोजन पे जो तीनों हाइड्रोजन है उनकी जगह एल्काइल ग्रुप आ गए हैं, तो वो एल्काइल ग्रुप आने से अलग अलग या एक जैसे एल्काइल ग्रुप रहने से, तो आप गेस करो कि कितने टाइप के टर्शरी माइंस वहां पे पॉसिबल है। हो सकता है तीनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हो, या हो सकता है दो एल्काइल ग्रुप एक जैसे हो एक उनसे डिफरेंट हो, या हो सकता है तीनों एल्काइल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो अकॉर्डिंगली वी कैन सी ये पहला वाला, इसमें तीनों एक जैसे एल्काइल ग्रुप है टर्शरी माइन। अब देखो नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, ये दूसरा वाला एक डिफरेंट हो गया, दो अभी भी सेम है, दूसरा भी डिफरेंट हो गया, तो पहला तो अब ये तीनों आपस में अलग अलग तरह के एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से टर्शरी माइन में ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। यहां देखो नाइट्रोजन के साथ तीन मिथाइल लगे, यहां देखें नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल और एक इथाइल है, यहां देखें नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल है एक इथाइल है और ये एक एन प्रोपाइल है, ये तीनों ग्रुप अलग अलग टाइप के। तो ये हो गया टर्शरी माइंस, ठीक है। तो और अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ ये आपके अकॉर्डिंगली किस टाइप का अमाइन है। वो जो व्हाइट वाले हैं वो हाइड्रोजन ले लें, और वो जो रेड वाला है वो एक एल्काइल ग्रुप है, और ये जो ऊपर है इसको कह सकते हैं ये लोन पेयर है। तो ये जो अमाइन आपके सामने रखा है दिस इज द प्राइमरी अमाइन, एक एल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और दो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन एटम, ठीक हो गया। सेकेंडरी अमाइन कब होगा, कुछ इस तरह से पिरामिडल शेप, व्हाइट वाला हाइड्रोजन ऊपर एक लोन पेयर और ये दो एल्काइल ग्रुप, यहाँ ये दो एल्काइल ग्रुप अलग अलग शो किए, दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं, शेप अभी भी पिरामिडल, ये एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, ठीक हो गया। वो ब्लैक वाला जो है वो नाइट्रोजन एटम। टर्शरी लुक एट दैट, ये ऊपर लोन पेयर, ये ब्लैक वाला नाइट्रोजन और ये तीन एल्काइल ग्रुप, थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर, अगेन पिरामिडल शेप। अब इसमें तीनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग शो किए, हो सकता है तीनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हों या दो एक जैसे हों और एक इनसे डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये तीन टाइप के अमाइंस की क्लासिफिकेशन हो गई। अब यहां देखें बॉन्ड एंगल की बात करना चाहता हूं, नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और पिरामिडल शेप है, तो बॉन्ड एंगल जो है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऐसा लिखा है बुक में, आप इसको चेक भी करना, तीन मिथाइल लगे हैं तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू 108 डिग्री है। अब वैसे तो जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आना चाहिए, अगर टेट्राहेड्रल के हिसाब से देखें sp3 के हिसाब से तो 109 degree 28 minutes। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे है, यू हैव टू टेल व्हाई दिस बॉन्ड एंगल इज नॉट 109 degree 28 minutes। बहुत बेसिक क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, आंसर इजीली आ जाना चाहिए और कॉपी पे आपको नोट करना है और मेरे साथ शेयर करना है। और दूसरा क्वेश्चन छोटा सा, अमोनिया में बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है।
पता होना चाहिए आपको। चलो आईयूपीएसी नेमिंग में एमाइंस क्यों कहते हैं, एल्केन अमाइन, एल्केन का ई हटा के उसकी जगह ए एम आई एन। अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की नेमिंग अलग अलग स्टडी करेंगे ताकि सिस्टमेटिकली सारे केस हमें आ जाएंगे। अब जैसे CH3NH2 है, वैसे कॉमन नेम है तो इसको मिथाइल अमाइन ऐसा वर्ड भी यूज होता है। आईयूपीएसी में क्या होगा, मिथेन अमाइन, ये दो कार्बन वाला है। आईयूपीएसी में इथेन अमाइन। अब तीन कार्बन वाले में डेफिनेटली दो पॉसिबिलिटीज हैं। लुक एट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट यू टू रिटेन, कि दोनों ही तीन कार्बन के अमाइन है। यहाँ फर्स्ट कार्बन पे NH2 लगा और यहाँ तीन कार्बन की चेन के, इसलिए मैंने नंबरिंग दिखाई आपके लिए, सेकेंड कार्बन पे NH2 लगा। तो वैसे तो दोनों ही प्रोपेन अमाइन हुए, लेकिन नंबरिंग से पता लगेगा कि NH2 कौन से कार्बन पे है। सो दिस वन इज टू बी कॉल्ड प्रोपेन वन अमाइन एंड दिस इज टू बी कॉल्ड प्रोपेन टू अमाइन। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट देखें। ये सेकेंडरी है, अब सेकेंडरी में दो तरह के हैं तो दोनों तरह से नेमिंग देखेंगे। तो ये दो बार मिथाइल लगा तो दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, इनमें से एक ग्रुप को ब्रांच की तरह मानेंगे जो नाइट्रोजन पे लगा और बाकी तो मिथेनामाइन है। सो इट इज एन मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक हो गया, अब यहाँ एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो रूल ये है कि जो स्मॉलर ग्रुप है उसको ब्रांच की तरह लेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे अंडरलाइन किया है। तो बाकी पार्ट जो है, अब देखो दो कार्बन वाला अमाइन है तो वो इथेनामाइन हो गया, तो एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में कटिंग है, आप कटिंग ना करना, ये टर्शरी है तो ऐसे ना नोट्स कॉपी करना कि ये बना के ऐसे कटिंग भी शो करें उधर हंसी जाओ। तीन बार मिथाइल है एक ही नाइट्रोजन पे, तो इसमें एक मिथाइल तो नाइट्रोजन के साथ लेंगे, वो तो मिथेनामाइन हो गया, बाकी दोनों मिथाइल जो है वो ब्रांच की तरह। सो एन कॉमा एन, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन पे लगे हैं, डाई मिथाइल क्योंकि दो मिथाइल हैं, मिथेनामाइन, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। इसको देखें, इसमें अब दो बार मिथाइल है और एक इथाइल है, जैसे आपको पहले बताया, जो छोटे वाले हैं इनको ब्रांच की तरह लेंगे तो ये बाकी इथेनामाइन, तो ऊपर वाले की तरह ही है, बस एक वर्ड का फर्क है, इट इज एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, चलो अब तीसरा वाला देखते हैं। इसमें तीनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग तरह से है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, ये एन प्रोपाइल है, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये इसको छोड़ के बाकी दोनों ब्रांच की तरह हो गए। एक इथाइल है और एक मिथाइल है, इथाइल का ई अल्फाबेटिकली मिथाइल के एम से पहले आता है, तो इसलिए एन इथाइल एन मिथाइल, दोनों का एन अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो एन इथाइल एन मिथाइल। उसके बाद प्रोपेन वन अमाइन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे लगा, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन। अब इतनी नेमिंग अगर अच्छी तरह से आ गई और इसको रिटेन कर लिया तो फिर अमाइंस की नेमिंग में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको देखो, ये दो अमाइन लगे तो इथेन दो कार्बन के कारण, एक कार्बन वन और एक कार्बन टू, इथेन वन टू डाइअमाइन। ठीक, ये देखो साइक्लोहेक्सेन पे NH2 लगा तो साइक्लोहेक्सेन अमाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिलीन, एनिलीन और बेंजीन अमाइन इसका नेम याद रखेंगे। चलो अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, आपको IUPAC नेम्स बताने हैं इन कंपाउंड के, लेकिन एकदम से ऐसे मैं आपको प्रिंट करके दे दूं या सेंड कर दूं या ऐसे दिखा दूं सारे कंपाउंड एक जैसे नहीं, एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते भी हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अच्छा लगना चाहिए करते हुए, एक इंटरेस्ट डेवलप होते हुए, एक सब्जेक्ट के साथ जो कहते हैं ना अच्छा वर्ड यूज़ करें तो एक लगाव हो जाना चाहिए, वो तभी होता है अगर आराम से एक जर्नी की तरह, जस्ट लाइक ए ब्यूटीफुल जर्नी। तो ये जो एक्टिविटी है एक ब्यूटीफुल जर्नी है। अब ये पांच कार्बन की रिंग है और एक NH2 है, अब बस मैं इसका नाम नहीं बोलूंगा, नाम आपको खुद ही लिखना है, कंपाउंड्स को मैं डिस्क्राइब करता जाता हूँ। ये देखो, अब ये बेंजीन रिंग है, ऊपर NH2 होता तो एनिलीन या बेंजीन अमाइन रहता था, तो एक H की जगह ये मिथाइल लगा, तो अगर कोई मुश्किल आए तो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, रेफरेंस बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, या
बता भी सकते हैं कि नहीं हुआ तो मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसमें देखो क्या, इसमें ये सेकेंडरी माइन है, ये मिथाइल ब्रांच हो गया और ये तीन कार्बन की चेन जिसके सेकेंड कार्बन पे एन है, तो हो जाना चाहिए आंसर। ये फोर्थ है, एनिलीन के पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन है, ब्रोमो। तो अगर यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4, तो ये एक तरह से फोर ब्रोमो टाइप ऐसा नाम इसका बनेगा। इसको देखो, ये डबल बॉन्ड भी है। अच्छा, इतना ग्रुप जो है ये एलाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम में तो एलाइल वर्ड आ जाएगा, लेकिन यहां आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन वगैरह भी शो करनी पड़ेगी। इसको देखें, ये एनिलीन से 1 2 3 थर्ड कार्बन पे मिथाइल है। अब बेंजीन रिंग पे NH2 भी लगाओ और CH3 भी लगाओ, तो इसको टोल्युइडीन कहते हैं, TOLUIDIN। तो ये मेटा पोजीशन का रिलेशन है, तो अब देखना इसको हम क्या मेटा टोल्युइडीन इस तरह से कह सकते हैं कॉमन नेम में, IUPAC तो आपको लिखना है। यहां देखें, ये भाई एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन की जगह दो मिथाइल ग्रुप हैं, सेवंथ वाले में। यहाँ पे ये टर्शरी माइन है, इंटरेस्टिंग है, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये तो दो तो ब्रांच हो गई, मैं बस नाम नहीं बोलूंगा। तो इधर चार कार्बन है और फर्स्ट के ऊपर ही ये लगा, तो इन दोनों ब्रांचेस का नेम भी आना चाहिए। और ये जो है वन वाला जो है ब्रांचेस, मतलब कि नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट है ये दो इथाइल ग्रुप्स, इनका नाम भी आना चाहिए और यहाँ पे वन पोजिशन भी आना चाहिए। और चार कार्बन की चेन को क्या कहते हैं ये तो आपको पहले से पता है। ये सेकेंडरी माइन है, देखो इनके साथ एक एच है, देखने में बहुत सारी ब्रांचिंग लग रही है, बट डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे मैंने आपको कहा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो नाइट्रोजन से देखा जाएगा। तो इस नाइट्रोजन पे एक तो मिथाइल है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया ब्रांच जैसा, और ये पांच कार्बन की चेन है और पांच कार्बन पे थर्ड कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन। अच्छा, टेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम रहता है बेंजाइलमाइन, ये काफी यूज होता है आगे चैप्टर में, तो IUPAC नेम आप लिखेंगे। ये उस टाइप का ही है, बस एक कार्बन उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है यहाँ पे, तो फिनाइल की पोजीशन का फर्क हो गया। ये मुझे लग रहा है रिपीट हो गया, सेवंथ में भी सेम स्ट्रक्चर था और यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं, दो बार लिखो इसका नाम, लेकिन दोनों बार सेम लिखना जो सही होना चाहिए, समझ गया आप मेरी बात। ये 13th है, इसमें भी बेंजीन के ऊपर ये ब्रांच है और ये इथाइल की तरह है और यहाँ पे NH2 है, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचिंग लग रही, लेकिन ये प्राइमरी माइन है क्योंकि नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको देखो, यहाँ से गिने तो ये 2 हो गया, 3 छोड़ के 4 5, ये 2 4 6 इस तरह से। और ब्रोमीन को क्या कहते हैं फिर आप, ब्रोमो। वो एक्टिविटी तो खत्म हो गई, नहीं नहीं इसमें अभी बचे हैं, ये रह गए दिखाने वाले, एक ये है। अब ये NH2 आना है यहाँ पे, ठीक कर लेना। अच्छा, तो OCH3 जो है वो मिथॉक्सी है, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है। अगर रिंग पे NH2 लगाओ और OCH3 लगाओ, मिथॉक्सी लगाओ, तो इसको एनिसिडीन कहते हैं, ANISIDINE, एनिसोल याद है ऐसा है ना, एनिसिडीन। तो ये पैरा रिलेशन में है, तो कॉमन नेम है इसको पैरा एनिसिडीन ऐसा कह सकते हैं। 16th में देखो, ये मैं इसलिए लिखा कि अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और NH2 भी है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी होती है, तो इसकी नेमिंग अमाइन की तरह नहीं होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होगी। और तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड पोजीशन पे NH2 है जिसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, NH2 का प्रीफिक्स होता है अमाइनो, तो नाम तो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसका कॉमन नेम भी आप बताना मुझे, हिंट दे देता हूँ, ये एक अल्फा अमाइनो एसिड है, सोचना है इसका कॉमन नेम क्या बनेगा। इसे देखें, रिंग पे एसिड ग्रुप और NH2, फिर जैसे है प्रायोरिटी एसिड को, तो एसिड की तरह इसकी नेमिंग होगी। ये कंपाउंड आगे रिएक्शंस में एक जगह पे आएगा इसी चैप्टर में, तो इसका नाम भी।
ठीक है चलो। अब एक दूसरी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी अब तक जितना हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में उसके ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा एक तरह से आप कहो तो मेमोरी रिटेंशन कॉन्टेस्ट की तरह है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां मैंने कुछ कॉमन नेम लिखे तो उनके आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, और इसमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो लिखे हैं जो कभी ना कभी ऑर्गेनिक पढ़ते हुए जिसके बारे में बात ना हो, कहने का मतलब कि ये सारे जो हैं रेलेवेंट हैं और इनमें से मोस्टली जो है वो इसी चैप्टर में एज रिएक्टेंट या एज प्रोडक्ट एज सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं वो आएंगे। तो हो सकता है इसमें से दो तीन कुछ ऐसे हों जो काफी देर से हमने नहीं रिवाइज किए तो आपको बोल रहे हों, तो फिर आप जब वो भी रेफर करेंगे नोट्स और लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक और बात इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में अमाइंस में, ये एक आएगा टॉपिक बेसिक करेक्ट कंपेयर करने का, तो उसमें बड़े सारे कंपाउंड कॉमन नेम से लिए जाते हैं कंपेरिजन में, तो इसलिए वो कॉमन नेम भी आने जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत चैलेंजिंग तो नहीं, बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत एक्टिविटी है। पहला तो है बेंजाइलमाइन, इसके बारे में तो आज ही मैंने बात की तो पिछले पेज से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है एनिलीन, इस टाइप के भी हैं आसान। पिरिडीन, अब पिरिडीन से तो आप वाकिफ ही हैं, वो याद करो SOCl2 का रिएक्शन अल्कोहल के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में। इस चैप्टर में पिरिडीन के बहुत मतलब बहुत नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ऑर्थो टॉल्विडीन, टॉल्विडीन क्या होता है अभी मैंने आपको पिछले पेज पे बताया। पैरा एनिसिडीन, एनिसिडीन क्या होता है ये भी आपको अभी अभी बताया। एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में MCQ में शायद था, उसमें एंथ्रानिलिक एसिड बनता है, तो ये अगर आपने वो किया प्रॉपरली तो आपको आसानी से स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे। पिपरिडीन, अब ये बेसिक रिएक्टर कंपेयर करने वाले क्वेश्चन में ये भी एक ऑप्शन होती है पिपरिडीन, तो इसका भी आपको ड्रॉ करना है। बाई चांस नहीं पता तो रेफरेंस बुक से हेल्प ले सकते हैं। पाइरोल, ये भी बेसिक रिएक्टर्स के क्वेश्चन में आएगा पाइरोल, और पहले पाइरोल के बारे में कब बात हुई, पाइरोल सोचो शायद एसिटिलीन की प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन में पाइरोल की फॉर्मेशन, चेक करना। थैलीमाइड, थैलीमाइड तो अभी पिछले उसमें चैप्टर में इसके बारे में आया था, थैलीमाइड ड्रा हो जाना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन, ये तो किसी भी तरीके से डिफिकल्ट नहीं है। टीएनटी इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रो टॉलविन, तो इसका स्ट्रक्चर तो आप आसानी से ड्रा कर लेंगे। टीएनटी की सिग्निफिकेंस क्या है मेरे बताने की जरूरत है क्या। यूरोट्रोपिन, वेरी फेमस, दो बार तो हम कम से कम कर चुके हैं इसके बारे में बात, अभी लेटेस्ट कब आया था एल्डिहाइड्स में। तो यूरोट्रोपिन में आपको क्या करना है, एक तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है डेफिनेटली, इसका फॉर्मूला लिखना है, इसका एक और नाम होता है वो भी लिखना है, स्ट्रक्चर पूरी जगह छोड़ के बनाना अच्छी तरह से बड़ा बड़ा करके, और वो रिएक्शन बनाना जिसमें ये यूज होता है और उस रिएक्शन का नाम भी बताना, और कौन से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से यूरोट्रोपिन बनता है ये भी बताना। अब क्लास में इतने क्वेश्चन तो खड़े करके पूछे जाएंगे फिर यूरोट्रोपिन के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और इसी तरह से कनेक्शंस जो हैं बनते हैं। अगर पहले कनेक्शंस बने हैं तो अब वो कनेक्शंस हाईलाइट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, अगर नहीं बने तो अब जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो इंटरकनेक्शंस ऑर्गेनिक के बनेंगे, इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती हैं। बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल सोचो आसानी से ड्रा हो जाएगा आपका। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब तो टाइम है इस चैप्टर में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शंस वगैरह हम स्टडी करेंगे। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में बात हुई थी हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एराइल हैलाइड्स की प्रेपरेशन होती है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आइडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन सबके रिएक्शन अगर तब अच्छी तरह से नहीं किए तो अब अच्छी तरह से आप वो रिएक्शन कर पाओगे। मैं नाम लेता हूँ रिएक्शन का, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन और एक बाल्शीमैन रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन अभी दोबारा से आने वाले हैं। और इसके बारे में बात हुई थी फिनोल्स की प्रेपरेशन में, तो अभी वो वाला रिएक्शन भी आएगा, अब वो इसकी प्रॉपर्टीज में आएगा। नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रो नाइट्रोसो में फर्क पता है तो इसका स्ट्रक्चर आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। क्विनोलिन, फाइनली इसके बारे में बात हो ही गई। अब एक लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है, लिंडलर कैटलिस्ट क्या रहता है, एल्काइंस की जब रिडक्शन करते हैं
हाइड्रोजन और कैटलिस्ट निकल वगैरह यूज करके हाई टेम्परेचर पे, तो उससे एल्कीन बनते हैं और एल्कीन से आगे एल्केन, दो बार हाइड्रोजन की एडिशन होती है। अगर उस रिएक्शन को एल्काइन से एल्कीन तक ही रोकना हो, आगे एल्केन नहीं प्रिपेयर करने हो, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक कैटलिस्ट है लिंडलर्स कैटलिस्ट। पैलेडियम डिपॉजिटेड अपॉन बेरियम सल्फेट, पॉइजन्ड बाय क्विनोलिन और सल्फर कंपाउंड्स, तो ये वो वाला क्विनोलिन है। तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर भी हमें अब देख लेना। पाइरोलिडीन, ये भी बेसिक रिएक्टर के क्वेश्चन जो आएंगे इस चैप्टर में उसमें आएगा, तो अभी इसका स्ट्रक्चर कर लें तो आपके लिए बहुत यूजफुल। हाइड्राजिन, दिस इज इजी, हाइड्राजिन से हाइड्राजोन बनने वाला रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में किया तो है। 19th, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड अभी वो श्मिट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला अभी किया थोड़े दिन पहले। एसिटेनिलाइड और बेंजेनिलाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट, एसिटेनिलाइड और बेंजेनिलाइड इस रिएक्शन इस चैप्टर में। मेरे ख्याल एसिटेनिलाइड के बारे में पहले बात हो चुकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में एक जगह आया था, मैंने आपको नाम लिखवा दिया था। तो बेंजेनिलाइड उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, तो यहाँ इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में भी फिर से बात होगी। तो ये 21 जो है एक्टिविटी ड्रॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली एक्टिविटी, मेरे ख्याल से इस चैप्टर की सबसे यूजफुल एक्टिविटी मानी जाएगी। बात है अब आगे चलते हैं आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या फर्क होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो गया पहला, इसको देखो, ये चार कार्बन है, चार कार्बन वाला अमाइन, तो 1, 2, 3, 4 लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन। अब ये देखो सेम फॉर्मूले से ड्रॉ किए, अब ये मिथाइल तो ब्रांचिंग में हो गया, अब तीन वाला लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन है, और ध्यान रहे ये भी प्राइमरी होना चाहिए, ये भी प्राइमरी होना चाहिए, तभी इनको चेन आइसोमेरिज्म में कंपेयर कर पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। दोनों की नेमिंग भी आप करें, अभी अभी की है वैसे। पोजिशन आइसोमेरिज्म, इसमें पोजिशन का फर्क रहेगा, लुक एट दिस, 3 कार्बन का अमाइन जो पहले कार्बन पे NH2, और यहाँ 3 कार्बन का अमाइन जिसमें दूसरे कार्बन पे NH2। याद रहे लॉन्गेस्ट चेन में तो 3-3 ही कार्बन है, और ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी। आगे देखें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन्स हैं, दे आर सेट टू बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनके काफी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग टाइप की होती है, तो अगर सेम फॉर्मूले से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ड्रा हो सकते हैं, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। छोटी सी बात पूछूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल आइसोमर्स कौन होते हैं? वेट करूं 5 सेकेंड। एस्टर्स, एल्कोहल के फंक्शनल आइसोमर्स कौन होते हैं? ईथर्स, एल्डिहाइड्स के फंक्शनल आइसोमर्स कौन होते हैं? कीटोन्स। इस तरह के क्वेश्चन आप ऑन द स्पॉट आंसर कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक में कोई इश्यूज नहीं रहेंगे। तो यहां देखें, ये एक नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, तो फॉर्मूला देखें तो C3H9N हो गया, ये टर्शरी है। इसी फॉर्मूले से ये ड्रॉ किया, अभी भी चेक करें हाइड्रोजन अभी भी 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9 ही है, ये सेकेंडरी है। और इसको देखें 3, 2, 5, 2, 7, 9 ये प्राइमरी है। तो सेम फॉर्मूले से वी हैव ड्रॉन प्राइमरी, वी हैव ड्रॉन सेकेंडरी एंड वी हैव ड्रॉन टर्शरी अमाइन। तो ये फॉर्मूला C3H9N और ये इसके फंक्शनल आइसोमर। अब अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का टाइम आए तो एक और भी ड्रॉ हो सकता है पॉसिबल, वो कौन सा होगा? जहां पे ये 3 कार्बन जो है वो स्टेट चेन में है और इन 3 की एक ब्रांचिंग वाला भी, जैसे यहां से एक इस कार्बन के ऊपर एक ब्रांच, इस कार्बन के ऊपर ये मिथाइल ब्रांच की तरह लगा लें तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा। तो यहाँ इन शॉर्ट कहें तो ये एन प्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल वाला ड्रॉ कर लें। तो टोटल जो पॉसिबली ड्रॉन स्ट्रक्चर्स हैं वो तो इसके फिर 4 हो जाएंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी माइंस का फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म के बारे में बात करते हैं, पहले भी कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप। पहले हम ईथर्स में करके आए मेटामेरिज्म, फिर उसके बाद हम कीटोन्स में करके आए, और अब सेकेंडरी और टर्शरी माइन। डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क देखें, सेकेंडरी माइन, दोनों सेकेंडरी होने चाहिए तभी मेटामेरिज्म प्रेजेंट कर पाएंगे। ये देखो NH के एक तरफ 2 कार्बन है
इधर भी दो कार्बन है। अब NH की एक तरफ एक कार्बन है और एक तरफ तीन कार्बन है, सो डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, ये 2 and 2 वाला अरेंजमेंट है, ये 1 and 3 वाला अरेंजमेंट है, सो दिस इज मेटामरिज्म। अब टर्शियरी वाइंस, टर्शियरी वाइंस में ये देखा जाए नाइट्रोजन के ऊपर 2 बार इथाइल और 1 बार मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है, ये भी टर्शियरी है, डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई, 2 बार मिथाइल और 1 बार एन प्रोपाइल, अभी भी 5 कार्बन है बट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। ये टर्शियरी माइन के लिए और ये सेकेंडरी माइन के लिए। चलो अब यहां पे मैंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात नहीं की है, माइंस के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में सेपरेटली बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि उसके लिए कुछ मॉडल्स ड्रॉ मॉडल्स की हेल्प से मुझे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अमाइंस के बारे में कैरेलिटी के बारे में समझानी है, तो फिर मैं उसको सेपरेटली लूंगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन उसको नहीं किया, तो उसके लिए थोड़ा रुके। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ, ड्रॉ ऑल अमाइंस विद C7H9N, C7H9, जैसे ही हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर काफी क्लोज है एक दूसरे के, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसमें एक एरोमेटिक रिंग पॉसिबल हो सकती है। तो ये पहला वाला, पहले हम फॉर्मूला चेक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा, C7H9N वो कैसे है, देखो बेंजीन रिंग पे 6 कार्बन और एक ये 7, अब जहां पे सी ये लगा है CH2 वहां तो H नहीं होगा, बाकी 5 कार्बन पे एक एक H, 5 हाइड्रोजन और 2 7 और 2 9, तो 9 हाइड्रोजन और ये, तो ये हो गया बेंजाइल अमाइन। तो इसी को अगर इस तरह से लिख दें, नाइट्रोजन से इसे जोड़े और बाहर मिथाइल ब्रांच, तो ये दूसरा आइसोमर हो गया, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो सेम ही कार्बन से लगे। अब इंटरेस्टिंगली इस तरह से भी बना सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन वाला ग्रुप अलग कार्बन पे और मिथाइल वाला ग्रुप अलग कार्बन पे है, ये तो ऑर्थो है और ये क्या हो गया मेटा, और तीसरा वाला क्या हो गया पैरा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है MCQ वगैरह में। अब एक एक्टिविटी आपको दे रहा हूं, और ड्रॉ ऑल एलिफेटिक एमाइंस विथ 4 कार्बन एटम्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो 3 कार्बन एटम का तो हमने अभी पीछे ड्रॉ कर लिया था, जहाँ पे हम फंक्शनल आइसोमरिज्म कर रहे थे, तो 4 कार्बन एटम के आपको ड्रॉ करके दिखाने हैं, कितने प्राइमरी कितने सेकेंडरी कितने टर्शियरी, एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्या उनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव फाइंड, जो मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करनी वो तो एक यूनिक सा टॉपिक है, वैसे जनरल ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखते हैं कि कोई ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चारों ग्रुप सिंगल बॉन्ड से लगे हुए एक दूसरे से डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो वो कार्बन कायरल हो जाएगा, तो ऐसा कंपाउंड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 1 विल बी कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड दी अदर विल बी कॉल्ड लीवरोटेटरी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, ड्रॉ ऑल एलिफेटिक अमाइंस विद 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम वाले सारे एलिफेटिक अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ड्रॉ करने, और इसमें मेंशन करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से अगर हैं। अब आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, मेरे ख्याल से आपने गैस कर लिया होगा पहला मेथड जो आने वाला, क्योंकि अभी अभी ये रिएक्शन हमने पिछले वीडियो लेक्चर जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स उसमें बहुत डिटेल में किया था, फ्रॉम अमाइड्स बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बट इज द अदर नेम ऑफ द रिएक्शन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। और दो बातें, एक तो हम इस रिएक्शन के बारे में अभी देखते हैं रिएक्शन क्या है, और दूसरा जो जरूरी है रिवाइज इन डिटेल एंड कॉपी हियर, तो यहाँ आपको पिछले नोट से यहाँ पे कॉपी करना है। अब सर मुझे आप कह सकते सर कॉपी करने से क्या फायदा होगा, कॉपी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या फायदा होगा, आपको अच्छी तरह से एक एक एस्पेक्ट रिवाइज हो जाएगा, पूरा एकदम बाई हार्ट आपको उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो फिर से हाईलाइट भी हो जाएंगे और आपको रिटेन भी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करना लिखना जरूरी है। तो अगर अमाइड को ब्रोमीन और NaOH के साथ ट्रीट करें तो ये सी डबल बॉन्ड वो वाला ग्रुप नहीं रहता है, तो एक कार्बन कम होके प्राइमरी अमाइन बनता है, तो इस रिएक्शन में सिर्फ प्राइमरी ही अमाइन्स बनते हैं और साथ में ये जो प्रोडक्ट्स, इसका हमने मैकेनिज्म, इसके फीचर्स, इसके स्पेशल केसेस, बहुत कुछ हमने डिटेल में अभी किया। सेकेंड रिएक्शन ये भी अभी किया, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपको बताया था कि बहुत सारे
ऑक्सीजन वाले डेरिवेटिव्स हैं जिनको लिथियम हाइड्राइड से ट्रीट करें तो एल्कोहल्स बनते हैं, जिसमें आते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एसिड क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर वगैरह। लेकिन अमाइड से एल्कोहल नहीं बनता है, इसमें जो NH2 तो वहीं पे रहता है, रिडक्शन यहाँ होती है और क्या बनता है प्राइमरी में। तो इसको आप कंप्लीट करें। फिर मैंने आपको अभी रिसेंटली ये भी कराया था कि सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो, नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा और बाकी अमाइड है तो इससे क्या बनेगा, ठीक है, और इस पे दो मिथाइल लगे हैं तो क्या बनेगा। अब यहां तो कोई रिएक्शन नहीं होना, नाइट्रोजन पे यहां भी नहीं होना, यहां पे CH2 होना है, ये भी यहां पे CH2 होना है, तो मेरे ख्याल से यहां बनेगा प्राइमरी माइन, यहां बनेगा आप बताओ, यहां बनेगा वो भी आप बताओ। तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इनके नेम वगैरह भी आपको लिखने हैं। तो ये आज का पहला वीडियो अमाइंस टॉपिक का, तो इसमें इसको दोबारा देखो और वो जो एक्टिविटी है IUPAC नेमिंग वाली और वो जो कॉमन नेम दिए हैं उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली उसको करो। फिर दो क्वेश्चन आइसोमर्स ड्रॉ करने के हैं 4 और 5 कार्बन वाले, फिर ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड आपको फिर से रिवाइज करना है एक तरह से अच्छी तरह से। तो ये सारा करने के बाद प्रॉपरली शेयर करो, सिस्टमेटिकली पढ़ने से सब्जेक्ट में एक अलग तरह का इंटरेस्ट जो है वो, मैं नहीं कहूँगा कि इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट बस सस्टेन होता है और बड़े अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही, इन जनरल जो भी कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी हैं जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स, उनकी तरफ एक सही डायरेक्शन में चलता है और जितना सेटिस्फाइंग तरीके से चलता रहे उतना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे बहुत कई और तरह के डायमेंशंस भी सामने आती हैं जो फर्दर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। वी फील गुड अबाउट इट कि हम ये कर रहे हैं और आगे जो करेंगे या आगे हमें जो करने को कहा जाएगा उसके बारे में एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक जेस्ट रहता है, एंथुसियाज्म रहता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। अब आज जैसे ये पहला लेक्चर है इसका, अगर अब इसको देखते ही देखते आप साथ में सारी एक्टिविटीज़ वगैरह कर लेंगे तो समझ लो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हमें इसकी हो जाएगी, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज़ द सोल ऑफ लर्निंग। और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंटरेस्ट से उस चीज़ को सुनना पड़ता है, उस चीज़ को जानना पड़ता है, उसके लिए क्वालिटी टाइम निकालना पड़ता है और उसको प्रॉपरली करना पड़ता है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है, उसकी वर्किंग भी बेटर होती है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बस जी।